अशोक रंगुल खनिज तेल पोदुसेक संघमे सभापति मेरटे खनिज तेल एकाधिकारी यदा समस्या हेटे के इंदांग लंका खनिज तेल नीति का संस्था सत्वेला तिबुने मे एकाधिकारी संस्था सत्वेला तिबुना हम मेरटे तेल पालने किरीम तेल मिलनियामने किरीम प्रमिति सहित तेल कुद किरीमट खनिज तेल नीति का संस्था वग की मेम बेंदी हिटिया हे भाई मे कांचन विजयशेखर अमात्यवर दैंग मस कीपे की दम बर्रपतन उत्साह मे खनिज तेल संपत अपेरटे जनतावगे उदुरागन बहुजातिक समागम मत दिन्न यदा समस्या हेट इकट पेर मेरटे खनिज तेल संपते आईती एक नियामने गिरी में आईती है एक रटत क्रियात्मक गिरी में आईती है एकाधिकारी तिबुने शेल कैलटेक्स मोबिल एसोकियन समागम मते यदा समस्या हेट एक तमाइ मेक खनिज तेल नीति का संस्था पवरगत्ते पवरगत्त एक तमाइ यदा ये इतिहास करपु ये क्रियावली अनिपेत्र हरोला द्रोही गीसुमग्नल द्रोही पानताग्नल द्रोही कैबिनेट पेपर का मगे कैबिनेट के अमति वरुण मेरटे खनिज तेल अवश्यतावेट द्रोही एलातीनवा खनिज तेल अवश्यतावे पावल दिलातीनवा कैबिनेट अमात्यवरगे हितुवक्कार क्रियावलिया अद कैबिनेट के अनुमति दिलातीनवा ये वगे मरटे जनाधिपति वर मेक संपूर्ण वकिया नोने इद्रेदी मेरटे जनतावट खनिज तेल अवश्यतावे मत बर्रपत्र पीड़ा नोट मूल देनवा रटे आंडू हदने आंडू पेरलने कौदगी तीरने करे ओये तीरने कर लीन बहुजातिक समागम मोली नम अपेरटे जनता वैताम बरपतल असर तत्व पत्न विशेष खनिज तेल नीति का संस्थावे मलगम तमय ये कैबिनेट पेपर का क्रियात्मक इद्रेदी अतिवाण एवगे मे कैबिनेट पेपर के तुल अपे खनिज तेल संस्था वेडगर सेवकिंगे रेकियासु रक्षितावे बरपतल अवधारण पत्कर लीन मेवेन समागम तुराक ये कैबिनेट पेपर एक अनुमत कलाट पास अमात्यवर हितन व्यति तमंगे वेडे करगत्ता सार्थक वकील हेबई ए करण मोहते दी खनिज तेल वृत्तीय समिति अपी एकावन्न मेवेनी पीते कर नेगला ए पीते तुले इंदगेन उपवासे अपी आहार नोगेन अपी किया पैवे मे पानतर मे खनिज तेल सेवकिया एकगन मे पानतर मे रटे जनता एकगन आय के तमय कै गाल क्यूवे हेबई खनिज तेल सेवकिया के विरोधतावे सलकान नेतुव रटे जनता के विरोधतावे सलकान नेतुव किसी साकच्चा वद्देन नेतुव ओय कैबिनेट पेपर एकट अनुमति गत्ते बलहत्कारी हितुवक्कारी विधियट एक अपि कियनवा ओय जनता विरोधी कैबिनेट पत्रिकाव वहा मापसु अरवगन्न अरवगन मे रटे तेल वल अयितिय खनिज तेल नीति संस्थावट पवरन्न खनिज तेल नीति संस्थाव अद वेनकोट महा देवंत लाभयक् लबनवा ए लाभे लभ्ये तेल संस्था परिपालने निशाकार टरगन नेमेय ए संबंध सोयाबेरी में नेमेय जनता मत बरपटोला इंधन मिल असीमित लेस वेडिकरला लाभ लबन सकस्करला तमाट हितवा समागम वोल्ट तेल संस्था पवरला देन्न तमाई ओय लाभ लबा गत्ते एक निसा ए लाभे अद अर हितुवक्कारी समागम मतट यनवा रटे खनिज तेल अवश्यतावे पालने किरीमे हकियाव ए बहुजातिक समागम मतट यनवा मेक रट पावा दीमे कैबिनेट पत्रिकावा कियला पहेदिलिव मूर्ति समिति अपि नाम करनवा मम जगत विजय गुणरत्न सभापति श्रीलंका निधा सेव संघमे खनिज तेल लंका खनिज तेल निधि का संस्था अदवेन कोट विशाल लाभक लभन गिय फेब्रवरी मासे लाभ्य कोटि नमसीयाई जनवरी मासे लाभ्य रुपये कोटि यदा तून सीयाई अदवेन कोट खनिज तेल निधि का संस्था मेरा अवश्य शील मिंदन तमंगि मुद्लिंगे गबड़ा करला किसीम कर बाधा नव प्रवाहन गिरी में पासुकम तीयन एम दिएि मे वर्तमान राज्य वर्तमान विद्युपाल बड़शक्ति अभिंदुमा संस्था मगिन सेवय सपेन इतामद महिला आदाय कति इंधन विरोम हईसिया पिटरट समागम बहुजाति समागम हतरट धीमट कटुदर ज्ञान अपड़े धनगण लभुना अपे रटे जातीय पिनट पहालवेच उगद बुद्धम वर्तमान कैबिनेट मंडले एम इंधन विरोम हारतीय पना पिटर समागम तुनगट लबादीमठ अनुमतक आगेला मेक अत्यम जातीय आवासनावट सिद्धवेच इतम दरुण क्रियावा यदोट मे गणु रजेट किसीम डोरकवाद लभन्ने अब रजेट डोरकवाद लभुन नतूनाट मे कटयुत सिद्धुकर नायके अकउंट डोरना डोर लभे किल अभी तदपाल विश्वास तीन मेक विरोध पलकल अभी खनिज तेल वृत्ति समिति एकमत ये उदासन अटे अटेट अभी अखंड सत्याग्रह पावतागने मे आस्ताव लभलती इन्न अभी अद दवाल दवाले खनिज तेल वृत्ति समिति एकमत
වෘත්ති සමිති නායකයන් කතා කරලා රැස් වෙලා ඉදිරි ගියා මාර්ග මොනවද කියලා අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ ලබා දුන්න අනුමැතියත් එක්ක මෙරටේ බලශක්ති ඒකාධිකාරය සම්පූර්ණයෙන්ම පිටරට බහුජාතික සමාගම් කීපයක් යටතට යනවා. ඊට වැඩිය භයානකම දේ තමයි මේ රටේ ඉන්ධන මිල තීරණය කිරීමේ අයිතියත් රජයෙන් ගිලිහෙනවා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට තව මාස දෙක තුනක් යනකොට ඩීසල් ලීටරය, පෙට්‍රෝල් ලීටරය රුපියල් 1000කට මේ රටේ ජනතාවට ගන්න ලැබුණත් මේ කාංචන විජේසේකර කියන ඇමතිවරය තමයි වග කියන්න ඕනේ. හනිසල් සේවකෝ කාංචන විජේසේකර ඇමතිතුමා කනිසල් සේවකයන්ගේ ද්‍රෝහියෙක් විදිහට අපි ඊයේසට නම් කරනවා. ඒ වගේම මේ රජය කටයුතු කරමින් යනවා උතුරු නැගෙනහිර පළාතේ තෙල් බෙදා හැරීමේ ඒකාධිකාරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියන් IOC සමාගමට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ රජය කටයුතු කරමින් යනවා සිනෝපැක් කියන චීන සමාගම ත්‍රිකුණාමලයේ නගරය ආශ්‍රිතව ත්‍රිකුණාමලයේ වරාය ආශ්‍රිතව ස්ථානගත කරන්න. එතකොට ඔබ කවුරුත් දන්නවා චීනය ඉන්දියාව කියන්නේ නයි මොකද වෛරෙන් පෙළෙන මේ රෝගේ බලවත් රටවල් දෙකක්. එතකොට මේ වත්මන් රජය ඒ නයි මොකද වෛරෙන් පෙළෙන රටවල් දෙක අපේ රටේ තැන් දෙක කොන් දෙක ස්ථානගත කරනවා. අදිත්‍යවත් යුදමය තත්ත්වයක් ඇතිවුණොත් මේ රටවල් ගහ ගන්නකොට මේ අපේ අහිංසක පුංචි රටර දෙයියංගම පීඨය රටේ ජනතාවට දෙයියංගම පීඨය කියන එක තමයි අපිට තෙල්සේකෝ විදිහට කියන්න තියෙන්නේ. මොහොතදී